भिलाई की शहर सरकार के मुखिया सेक्टर 5 के कांग्रेस पार्षद नीरज पाल बने हैं। नीरज पाल को मतदान में 44 मत और भाजपा के प्रत्याशी महेश वर्मा को 22 मत मिले हैं। इसी तरह सभापति के चुनाव में कांग्रेस के गिरवर बंटी साहू को 44 मत और भाजपा के श्याम सुंदर राव को 22 मत हासिल हुए हैं। शहर सरकार के 5वें मुखिया नीरज पाल ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जन कल्याणकारी योजनाओं को दिया है। वहीं निगम के नए सभापति गिरवर बंटी साहू ने कहा कि वे सभी पार्षदों को साथ लेकर उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। ईसीसी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने भी इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भैया बताइएगा, महापौर का पद आपको मिला, किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे? पिछले लगातार 20 वर्षों से नगर निगम का अनुभव नगर निगम के अंदर रहते हुए मुझे मिला है। कांग्रेस पार्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो जीत आज आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कामों को भिलाई की जनता ने 23 तारीख को ही मोहर लगा दी थी। और महापौर, जो पूर्व महापौर कांग्रेस की जो सरकार नगर निगम में थी, उस नगर निगम के कांग्रेस की सरकार और महापौर ने जो भिलाई को लेकर विकास के जो भी नए रचे रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी की जीत है ये। और भिलाई की जनता के प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हैं, पूरे पार्षदों की तरफ से भी भिलाई की जनता का, कांग्रेस के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं उन सबकी तरफ से मैं भिलाई की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से भिलाई की विकास पहले पिछले कार्यकाल में भी बढ़ा है और इसको हम और कोशिश करेंगे निरंतर और दुगनी गति से इसमें विकास में हम आगे बढ़ाएं। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के जो प्रदेश में विकास के जो काम जो नए रिकॉर्ड गढ़े गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और भिलाई के विधायक जिन्होंने महापौर रहते हुए भिलाई की कांग्रेस की सरकार को सफलतापूर्वक 5 सालों में काम किया, भिलाई की जनता ने उस 5 साल के काम को देखते हुए ये फिर से हम लोगों को एक बहुमत से निर्वाचित जो हमारे पार्षद आए हैं, बहुमत से जीते हैं, उसी का ये परिणाम। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर संचालन करने का। क्योंकि आपके साथ में बहुत काफी एक्सपीरियंस होल्डर पार्षद भी आए हैं, मैं उसके मार्गदर्शन लेकर ही संचालन करूँगा। ठीक। पिछले 3 वर्षों में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है उसका आशीर्वाद है जनता का, और कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, उसका परिणाम है कि हम आज 44 वोट प्राप्त किए हैं और वहीं बीजेपी को मात्र दोनों पदों में 22 वोट मिले हैं, लगभग हमसे आधा वोट। यह दर्शाता है कि कांग्रेस की जो भूपेश बघेल सरकार है वो जो निर्णय ले रही है जनहित में, उसका परिणाम सुखद आया है।